मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं बस नीचे फ्लोर पे आ गई हूँ, अभी के पापा काम कर रहे हैं और यहाँ की साफ़ सफाई करके मैंने पूजा कर ली थी और साथ ही अपने पौधों में जो है पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इस फ्लोर की सफाई मैं सबसे पहले करती हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं रोड पर भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ भी साफ़ हो जाता है और देखने में अच्छा लगता है काफ़ी। तो फिलहाल इस फ्लोर की तो सफाई हो गई है, अब मैं जाऊँगी अपने फ्लोर पर। पर हाँ, साथ ही साथ जो है ये अंकल जी आ गए हैं, इनसे कुछ सामान लेना था तो मुझे मैंने कुछ सामान इनसे ले लिया है। ये देखो अविष्कार, मैंने कैसा लिया, ये देखो एक पौधा लिया है मैंने गुचिया का, ठीक है, ये सीजनल है, गर्मी में चलेगा। और ये दो रिंग ली है, अच्छी लग रही है ना? हाँ लग रही है मम्मा, देखो अच्छी लग रही है। तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ ना रिंग्स की, मैंने ले लिए। अब जाती हूँ उस पौधे को लगा देती हूँ। इसको चाहिए एक छोटा सा गमला, गमले तो है मेरे पास, जा रही लगा रखा। और अविष्का को खाने थे ब्रेड पकौड़े, तो बेसन ख़त्म हो गया था तो मैंने अविष्का को बाहर भेजा है बेसन लाने के लिए। और मैं बता दूं, पहले अविष्का जो है बाहर जाने में बहुत डरती थी, पर धीरे धीरे मैंने उसकी आदत डाली है ताकि वो रोड पे चल सके। पहले उसे रोड पे चलने में बहुत डर लगता था और वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आदत डाली है कि ताकि वो भी बाहर निकल सके। और बस मैं आ गई अपने किचन में और ब्रेड पकौड़े बनाने। और ये ब्रेड पकौड़े ना इंस्टेंट वाले ब्रेड पकौड़े हैं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बनाती हूँ, इनमें मैंने आलू नहीं डालती हूँ, सीधे जो है मसाला वगैरह डाल करके बेसन में और फिर ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ। क्योंकि बहुत सारा काम होता है हाउसवाइफ को, हमारा जो डेली रूटीन होता है वो बहुत हैटक होता है। और देखिए, यहाँ पर इंडियन मॉम की तरह मैं अविष्का को पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ ही साथ जो अविष्का जो है बहुत सारा होमवर्क मिला है तो वो कर रही है। और आज अविष्का की छुट्टी है और मैंने बताया ना, मेरा छुट्टी का शेड्यूल वैसे भी बहुत टाइट होता है। तो कहते हैं एक हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है और हाउसवाइफ इससे जो है पीछा नहीं छुड़ा सकती। पर हाँ ठीक है, हम फैमिली को हमें समेटने में और फैमिली के लिए काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ बना लेती हूँ ब्रेड पकौड़े। और बस ये तो है मेरा मॉर्निंग का रूटीन शुरुआत, जिसमें नाश्ते से शुरुआत हुई है। और बस मैं जो है चाय भी दे देती हूँ अभी के पापा को। और बस चाय देते, मैं सोच रही थी अपने लिए कुछ चाय निकाल लूँ, पर चाय निकालते निकालते मेरे साथ हो गया किचन में कुछ ऐसा हादसा। कहते हैं वीडियो शूट करना मुझे बहुत महंगा पड़ गया आज, और देखिए मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। और जैसे मैंने अभी के पापा को चिल्लाया, वैसे तुरंत वो आए और उन्होंने देखा कि मोबाइल जो है मेरा बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी मोबाइल को उठाया। और फिर क्यों मेरे हाथ पर पूरी चाय गिर गई थी और बहुत गर्म गर्म चाय। और देखिए किचन में काम करते करते क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, पर ये चाय से बिल्कुल हाथ जल गया मेरा, अभी तक बिल्कुल जलन हो रही है। और अविष्का तो बिल्कुल नहा रही थी बेचारी, बाथरूम से भाग के आई। हुआ क्या कि मैं अपनी चाय निकालने के लिए कोशिश कर रही थी और ये जो गोरिल्ला पॉट था ना, ये पॉट लगा हुआ था स्टैंड पे लगा हुआ था और इसी तरह शेप में था, ये अचानक से क्या हुआ, शायद ही हिल गया या वाइब्रेट हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि मैं चाय निकाल रही थी तो इससे थोड़ा सा इसको हुआ होगा प्रॉब्लम ये। और ये मोबाइल के साथ गिरा, उसके ऊपर फिर चाय जो है, मैंने मोबाइल बचाने की कोशिश की और चाय मेरे ऊपर सारा हाथ में, तो अभी तक जलन हो रही है। मतलब रिकॉर्डिंग में बहुत जो है कभी कभी बड़ी दुखदाई होती है, तो कहते हैं ना बिना बुलाए जो है मुसीबत ही आ गई। तो रिकॉर्डिंग करना भी अपने आप में बड़ा टफ है। फिलहाल चाय तो खत्म हो गई, कोई बात नहीं, अब मैं चाय पीऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब मेरा बिल्कुल जो हाथ जलन हो रही है काफी। चलो अविष्का आप खा लो, चलो पकौड़ ले लो और सॉस ले लो, खा लो। ज्यादा तो नहीं लगे ना, बट अभी पानी से हाथ धुलूंगी ना, जलन हो रही है तो ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। और चाय जो है गिर गई थी तो मैं फिर से मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ी। और जैसे ही चाय गिरी ना गरम गरम, मैंने तुरंत नल के नीचे अपना हाथ कर दिया। और कभी भी ऐसा हो जाए ना तो आप लोग भी जो है हमेशा पानी से धो दीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा या किसी तरह का तो वो तुरंत हट जाता है। और मुझे फिलहाल तो जलन हो रही है, पर कहते हैं ना हाउसवाइफ को थोड़ी परेशानियों में भी अपने घर को काम करना ही होता है, क्योंकि हम अगर छोड़ देंगे तो यहाँ का काम कौन करेगा।
तो हाउसवाइफ को तो सब कुछ झेलने की आदत होती है, और ये हादसे तो हर हाउसवाइफ के साथ होता रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। फिलहाल मैं लग गई हूँ फिर से अपने किचन में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाउसवाइफ को कुकिंग करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जो है अविष्का के लिए शिमला मिर्च के, और अपने लिए हम सबके लिए जो है वो बैगन के भरवे बना लिए हैं। और बैगन के भरवे चढ़ा करके और दाल चढ़ा करके मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, अपनी की मतलब बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ एक साथ हाउसवाइफ को एक सारे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना टाइट शेड्यूल होता है, क्योंकि अगर हम एक एक काम को अलग अलग करेंगे तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए एक साथ कई काम होता है, जैसे कि हाउसवाइफ क्लीनिंग का भी जो हम काम साथ ही साथ करते रहते हैं। तो बस मैं लगी हूँ, और मुझे पता है मेरी सारी बहनें भी इसी तरह डेली की डेली लगी रहती होंगी, और दिन भर काम करती होंगी और काम करके थक के चूर हो जाती होंगी। बस तो यहाँ पर बन गया है मेरा बैगन का जो है भरवा बन गया है, और साथ में मैं बना लेती हूँ रायता, क्योंकि गर्मी में रायता जो है वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो कहते हैं हाउसवाइफ जो है अपनी फैमिली के जो है वो शरीर का यानी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और साथ में आज मैंने बनाई है मल्टीग्रेन की रोटियां, यानी मेरे जो है आटे में आज मैंने मक्का और ज्वार और बाजरा ये सब कुछ मिला करके रख दिया है, और गेहूं का मिक्स करके, ताकि जो है फाइबर जो है वो ज़्यादा हो आटे में, जिससे कि नुकसान ना हो। और गर्मियों में वैसे भी खाना पचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ अब थाली में खाना, और बस लंच का टाइम हो गया है तो हम खाना खा लेते हैं, और हम लोग हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं। तो मेरी 3 थालियाँ निकल गई हैं यहाँ पर, और मैं भी जाऊँगी खाना लगा करके सबके साथ खाना खाने। तो यहाँ कर लेते हैं भगवान को नमस्कार खाने के लिए, और बस हम सबका खाना जो है वो लंच जो है वो स्टार्ट हो गया। और साथ बैठ के खाने में और बात करने में ही बहुत अच्छा लगता है, और खाना भी जल्दी खा लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब साथ में खाना खाते हैं ना तो लगता है कि खाना का स्वाद भी आप बढ़ सब कैसे, गया। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगे, और मैं हूँ बहुत अच्छी। और बस हो गई है शाम, और शाम के समय जो है बस वही चाय का टाइम हो जाता है। तो मैं आ गई अपने किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और बस आप लोग बताइए। और थैंक यू सो मच इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए एक हाउस वाइफ को। आपको पता है जो ये चेहरे पे ग्लो आ जाता है ना, और ये चेहरे की स्माइल आ जाती है आप लोग के लाइक और आप लोग के कमेंट से आ जाती है, और इतने सारे व्यूज करते हैं आप, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल जो भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको हाथ जोड़कर बहुत बहुत ढेर सारा थैंक्स कि आप सभी लोग जो है एक लाइक देते हैं। तो बस वही शाम का टाइम है, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, और सब साथ में बैठ के मैं और इनके पापा मतलब अविष्का के पापा ही पीएंगे चाय, और अविष्का खाएंगी चिप्स, क्योंकि अविष्का इस समय कर रही है पढ़ाई। तो मैं जा रही हूँ चाय में डाल लेती हूँ। आप लोग पीजिए चाय गरम गरम। और बस चाय पीने के साथ मैं अविष्का को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना मैं एक टीचर भी हूँ, और अब मेरा टीचर का रोल होगा। और अविष्का को बहुत सारा होमवर्क सुबह से ही मिला हुआ है, काफ़ी मतलब छुट्टियों में बहुत सारा मिल जाता है, तो मैं साथ के साथ उसको पढ़ा देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून, और आफ्टरनून से लेकर आप नाइट तक का रूटीन देखेंगे मेरा बिल्कुल पैक होगा, जिसमें मुझे एक बार भी बाहर जाने का यानी टहलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है। तो बहुत ही टफ होता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी जो है और भी काम कर रही हूँ, और बीच बीच में अविष्का को जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर करती रहती हूँ। तो मतलब कह सकते हैं अविष्का कम से कम 3 से 4 घंटे डेली के लेती है। और बस अब हो गया है मेरा नाइट का रूटीन, और नाइट के रूटीन में फिर से वही जो है डिनर बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बना ली है आलू की भुजिया, दाल और चपातीस। और मैंने बताया ना कि मैंने आज जो है पूरे आटे में जो है मक्का, ज्वार, बाजरा और गेहूं का सारा मिक्स कर रखा है, तो मेरी रोटियां जो है थोड़ी थोड़ी बन रही हैं पीली पीली। तो आप ये मत सोचिएगा ये इसीलिए पीली हैं क्योंकि इसमें मक्के का आटा मिला हुआ है। मैंने कहा ना फाइबर रिच जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है,
और यहाँ पर बना लेती हूँ मैं जो है अपना डिनर। और अविष्का को भूख लगी है तो सबसे पहले मैं अविष्का को ही दे दूँगी। अविष्का जो है टीवी देखते देखते अपना खा रही है। तो ये था आज मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन, जो बिल्कुल पैक था, जिसमें एक बार भी, कहते हैं ना हाउसवाइफ, एक बार भी बाहर नहीं जा पाई है। और बस कर लेती हूँ किचन की साफ़ सफ़ाई, तो ये हो गई है मेरी किचन की साफ़ सफ़ाई। तो बस ये वीलॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एक हाउसवाइफ को लाइक से सपोर्ट कर दीजिए, इतना मेरे लिए बहुत है। और बस ये देखिए मेरा किचन हो गया है बिल्कुल साफ। और नॉन सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं भाई, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को करती हूँ एंड, और बस लेती हूँ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीबॉडी।